बीजी और दीपू निकालेंगे अनुपमा को केंजल के इस मोह जाल से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा के साथ जो पुराने पैकेज के रिश्ते हैं उनका स्वार्थ तो सामने आ गया, यानी कि केंजल अभी तो वही मिली है, उसका स्वार्थ सामने आ गया। मगर इस तरफ जो नए रिश्ते हैं जैसे बीजी और दीपू, ये बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं लग रहे हैं, जबकि इनका स्वार्थ ज्यादा होना चाहिए कि एक फ्री की एम्प्लॉय मिली हुई है जो बिजनेस जानती है, जो सब कुछ जानती है, उसको हम अपने यहाँ पे टिकाए रखते हैं। इनका स्वार्थ होना चाहिए क्योंकि ये तो नए हैं, नया नया रिश्ता बनाए, मगर ये लोग स्वार्थी नहीं है। अब ये लोग अनुपमा की हेल्प करेंगे मगर कैसे, चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा को पता है कि मुझे क्या करना है, अनुपमा के हिसाब से कि मुझे अपने बच्चों के जो है तकलीफ में उनका साथ देना है वगैरह वगैरह। अब यही बात जब बीजी से डिस्कस होगी, जब दीपू समझेंगे कि अनुपमा की हालत क्या है, कि अनुपमा ना सिर्फ रेस्टोरेंट में दिन रात काम कर रही है बल्कि अपने बेटे के घर पे जाके भी काम कर रही है, उसकी बेटी का भी ध्यान रख रही है, क्योंकि ये होने वाला है, अनुपमा ऐसा करेगी, इतनी जल्दी अनुपमा नहीं ठीक होगी। तो यहां पे बीजी उसको रियलिटी चेक दे सकती है, बीजी उसको बता सकती है कि यहां पे कैसे बच्चे अपने मां बाप को लेके आते हैं, कैसे उनको अपने कामों में उलझाए रखते हैं क्या, ताकि मां बाप अपने लेवल पे ग्रो ना कर सके। हो सकता है बीजी उनको ऐसे मां बाप से भी मिलवाएं अनुपमा को। तो ये सारी चीजें जब बीजी बताएंगी, दीपू समझाएगा अनुपमा को कि अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, तुम्हारा करियर कितना ज्यादा आगे है, ये सब लोग पीछे हैं तुम्हारे। और हो सकता है कुछ इस तरह से समझाए कि तुम अपने बच्चों को मेड लाके दे दो भाई, इतना कमाई करो कि बच्चों को अगर चाहिए तो दे दो, उसमें क्या है, मगर खुद मेड मत बनो, अपने करियर पे ध्यान दो। ये सब चीजें समझा सकते हैं दीपू और बीजी, क्योंकि अब अनुपमा वाकई में केंजल के हिसाब से एक मेड की तरह ही केंजल उसको इस्तेमाल कर रही है, जबकि अनुपमा एक मां की तरह काम कर रही है। मगर केंजल के माइंड में क्लियर है, उसने चाहे इसको लबादा किसी भी चीज का पहनाया हो, मगर अल्टीमेटली पर्पज उसका यही है। तो ये पर्पस बीजी बहुत जल्दी समझ जाएंगी, क्योंकि वो इतना तो अनुपमा को समझ चुकी हैं कि अनुपमा जो है प्यार में कुछ भी कर जाती है, इमोशंस में अनुपमा कुछ भी कर जाती है, और जहां पे बच्चों का सवाल हो अनुपमा सोचती ही नहीं है। तो यहां पे स्वार्थी बच्चों के बारे में बीजी उसको जरूर समझाएंगी, और हो सकता है कि केंजल से जल्दी जल्दी अनुपमा को इस तरह से मिलना पड़ेगी, केंजल पूरी तरह से अनुपमा के सामने आ जाए, और फिर अनुपमा को आएगा समझ कि ये है मेरी ब्यूटीफुल, ये है मेरी केंजू बेबी। तो देखते हैं क्या होता है, मगर फिलहाल मुझे यही लगता है कि बीजी और दीपू अनुपमा की बड़ी सपोर्ट बनेंगे इस मामले में। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।